हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आज इतने सारे लोग हम घूमने के लिए जा रहे हैं, और जिस जिस लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करो, करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। हेलो तो बोल दो भैया। हेलो, हाय। आज बारिश हो रही है, मजा आ रहा है। ठंडियों में एंजॉय कर रहे हैं हम लोग। इतने लोग जा रहे हैं भैया, आज अकेले नहीं जा रहे हम घूमने के लिए, काफ़ी लोग आ रहे हैं। आप बाघ हाट के कुछ डर नहीं है, यही बाघ को मार देंगे है ना। पहलवान ही सारे बाघ चल रहे हैं। हाँ, ये देखो बाघ ही बाघ हैं बोलिए। और ये शूटिंग वाले भी आ रहे हैं, पिक्चर बनाते हैं। हाँ, ये अभी ताजी पहाड़ से आए हैं, बिल्कुल अंग्रेजों के बीच से निकल के आए हैं ये, है ना। अंग्रेज हैं ये, हम पहाड़ी अंग्रेज हैं। ये पहाड़ी अंग्रेज हैं। हाँ, डालेगी। आप लोग भी कभी आए यहाँ पर घूमने के लिए? बिल्कुल, हमारी हल्द्वानी में कितना अच्छा है। गाड़ियाँ भी जाती हैं, लोग भी बिल्कुल घूम रहे हैं। ऊपर बिल्कुल पहाड़ में आए हुए हैं हम लोग। पहाड़ भी है। ये देखो, ये इतने स्पीड से दौड़ लगा रहे भैया, ये पहाड़ से काम करके आए हैं, इनको ज़्यादा ही ताकत आई है। हाँ, नहीं, फिर भी बहुत वेट कम हो गया। देखो, इतना रोज सुबह शाम डेली 5 किलोमीटर दौड़ते हैं, इनका वेट देखो बिल्कुल बहुत फिट हुए हैं बिल्कुल ये। इसके बाद ये थोड़े देर के बाद हम वहाँ पर, हमारा स्टॉप है वहाँ पर, हम ये सभी एक एक करके यहाँ पर डांस करेंगे ये लोग। हाँ, हमारी डांस वाली मैडम आए हैं, ये हमको थोड़ा सिखाएंगे। हाँ, ये इनकी डांस वाली मैडम है, आगे जाके इन्हें डांस बताए सिखाएंगी। ये बिल्कुल पीछे से आ रहे हैं अभी, वो हमारे गाइड लगे हुए पीछे से, हमें आगे से कोई तकलीफ ना हो करके। ये आती तो हमारा बिल्कुल डर चला जाता है। भैया चलो गुड्डी दौड़ो। हम सुहाना बरखा आज पहाड़ों का, ये देखिए पूरा पहाड़। ये हमारे फ्रेंड्स लोग सब आए हुए हैं, सब अब हम जा रहे हैं गोधाम। ये गोधाम है, यहाँ पर गौ माता की सेवा की जाती है, गायों को पाला जाता है। सभी लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, अभी बारिश भी आने लग गई है। हेलो, हाँ, ये सारे मेरे फ्रेंड्स हैं ये। हाँ, ये अंदर जा रहे हैं, जरा गाय को रोटी लेके आए थे हम लोग। आ रहे हैं, रुखा आ जाओ, रोटी लेके आए हैं। और यहाँ पर अंदर बहुत सारी गाय हैं, और यहाँ पर गौ माता, काफ़ी बड़ा ग्राउंड है, यहाँ पे गाय पाली जाती है। जो भी गाय लोग इधर उधर बहा देते हैं, छोड़ देते हैं, वो गायों को यहाँ पर इनकी सेवा की जाती है। ये श्री सीताराम गोपाल गोस्वामी समिति हल्द्वानी, तो मरहुआ हल्द्वानी में है। ले सब गाय, ये हम रोटियां लेके आए हैं, सब दे दे इनको। ये रोटियां बची थी हम लोगों की, ये गायों के लिए ले आए हम लोग। ये देखिए गायों को कितना सुंदर यहाँ पर बना के रखा हुआ है इन लोगों ने। ये देखिए कितने सारे गाय यहाँ पर बंधे हुए हैं। अभी तो ऐसे आए हैं, रोटियाँ बची थी। चलो, वो गाय हुई हम लोग। ये देखिए, हेलो, ये हमने रोटियाँ दे दी सब गाय वगैरह को, और सभी लोग यहाँ पर आए हुए आज चल टाइम से। इतनी बारिश हो रही है, बारिश भी होने लग गई है, और अब लोग हम जा रहे हैं घर को। और अभी आज बहुत तेज़ बारिश हो रही है, यहाँ का मौसम दिखाती है, काफ़ी सुबह से बारिश होने में है, बिल्कुल मौसम काला हो गया, ऊपर से बारिश है। पहाड़ों में तो और तेज़ बारिश आ रही है आज, बिल्कुल ऊपर मौसम काला हो रखा है।
देखो हम लोग जा रहे हैं घर को। आज कितना अच्छा हो रखा है, बिल्कुल पहाड़ों में घना घोर कोहरा छा गया है, बारिश हो रही है। देखिए सभी सभी लोग आए हुए हैं, नहीं होगा कमला पर ले ले पानी, आज बारिश हो रही है। चल गाइस आज तो ये डांस नहीं दिखाएंगे, कल की आज बारिश आ गई है और कल की वीडियो में ये जरूर आपको करोगे ना। इधर तो बिल्कुल तैयार हैं ये अभी यहाँ पर। हाँ, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? कल मैं आगे की जो ब्लॉग है नहीं बना पाई हूँ क्योंकि कल बहुत तेज फिर बारिश हो गई थी। जो मेरी फ्रेंड डांस करने वाली थी उन्होंने भी डांस नहीं किया, वो अगले ब्लॉग में मेरा आप उनका डांस देखोगे। और सुबह तो नाश्ता पानी वगैरह मैंने कर लिया है, सुबह का काम हो गया है। आज सोच रही हूँ पेड़ में थोड़ा बहुत आम है इनको तोड़ा जाए, मगर फिर भी कैसे तोड़ा जाए, कमर में मेरी दर्द हो रही है। जो थोड़े बहुत आम बचे हैं पेड़ में ही पक गए हैं, देखती हूँ कैसे। अब मैं आम तोड़ने के लिए जा रही हूँ, नन्नू है अब मेरा कैमरामैन, ठीक है नन्नू? हेलो गाइस। हाँ अभी ये कैमरा पकड़ेगा, आंटी आम तोड़ेगी। बाय गाइस। मैं भी गाँव से आ गया और आंटी अब पेड़ मतलब पेड़ तो नहीं आम तोड़ने जा रहे हैं और ये सीढ़ियाँ हैं इसके। गाइस आंटी ने आम तोड़ने शुरू कर दिए हैं और बहुत सारे आम तोड़ रहे हैं आंटी, आप देख सकते हैं। अभी तो और रुकेंगे ना आंटी इसमें। अच्छा गाइस देखिए अभी हमने बहुत सारे आम तोड़ लिए, एक बाल्टी दो बाल्टी और एक पूरा कट्टा, और बहुत सारी टहनी भी तोड़ दी और आंटी के पसीने छूट गए और मेरे स्केटबोर्ड इनको पहनते पहनते मेरे पास। हमारी मुनमुन किसके साथ जाएगी? है आपके साथ, मुनमुन के साथ है। देखो कैसे बैठी है ना मुनमुन, मुनमुन इसका नाम हमने मुनमुन रखा है। कमेंट में बताइए आपको इसका नाम पसंद आया नहीं आया। अभी कैसे बैठी हुई है मुनमुन, मुनमुन मुनमुन देख हमारी मुनमुन कैसे बैठी है। मुनमुन के साथ खेल रहे और उसका गला मत पकड़ो, छोड़ो से छोड़ो। ये तो भागती है। अद्दू आ गया है, अद्दू ने हमारे मुनमुन की पिटाई कर रही है, मुनमुन को पकड़ के रख दिया है इसने। ये मुनमुन के साथ खेल रहे हैं। क्या कर रहे हो ये? वो मुनमुन है वहाँ पर, छुनछुन भी है हमारी, छुनछुन क्या कर रहे हो अद्दू? ये मुनमुन के साथ खेल रहे हैं दोनों भाई बहन। ये हमने आम तोड़ दिए हैं। छोड़ना इसके बच्चे को भी, अपने मम्मा के साथ जा रही है, अपनी मम्मा के साथ जा रही है। देख छो, नीचे रख दो, नीचे रखो, नीचे तो रख दो। अद्दू रुको, रुको। हेलो फ्रेंड्स, और अब हम लोग ने आम वगैरह तोड़ दिए हैं और पेड़ में जाके पूरे बाल इधर उधर बिखर गए हैं ये, और अब थकाई भी लगी है। आज की वीडियो को मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने दोस्तों के साथ मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगी आप तक आसानी से नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा।
और यहीं पर ये वीडियो को एंड कर रही हूँ। बाय बाय, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट ब्लॉग।